तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि भाई हम नया हेयर पैच लगाते हैं, जैसे कि बाल लगाते हैं, जिसे कि कुछ लोग नकली बालों के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग विग के नाम से भी जानते हैं, और कुछ हमारे दोस्त हैं हेयर पैच भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम स्टार्टिंग से बताता हूँ आज दोस्तों कि इसमें आपको क्या क्या इसमें प्रोसेसर होते हैं और किस तरीके से ये लगाया जाएगा और लगने के बाद में कैसा लगेगा और लगने के बाद में क्या क्या इसमें आपको करना है, ठीक है गाइस। तो जैसे कि हमने दोस्तों फर्स्ट टाइम हमने पैच लगाया, क्लिपिंग के अंदर लगा लिया या हमने टेपिंग के अंदर लगा लिया, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि भाई हमने फर्स्ट टाइम पैच लगा रहे हैं, हम किसी भी चीज के अंदर लगा रहे हैं, टेपिंग के अंदर या क्लिपिंग के अंदर, तो उसमें क्या होता है जब हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो क्या होता है कि भाई जैसे हमारे बीच का ये हिस्सा होता है ना, जैसे ये बीच का हिस्सा हो गया, तो हमारे बाल इसमें से एक एक दो दो चार चार करके बाल झड़ते हैं हमारे, जो नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो हम पैच लगाते हैं, तो पैच लगाने के बाद में क्या होता है कि भाई हमें एकदम से भरा भरा लगने लगता है कि भाई बहुत सारे बाल आ गए एकदम से, क्योंकि बाल तो हमारे जाते हैं दो दो चार चार करके, और फिर उसके बाद में जो होता है कि बाल हमारे एक साथ ही आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में। लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, जब के नाम से हम कंटिन्यू यूज करते रहते हैं तो ये काफी कंफर्टेबल हो जाता है, और इसमें क्या होता है जब हमें थोड़ा सा उठा उठा लगता है ना हेयर पैच कर, जब हम लगा लेते हैं तो थोड़ा सा उठा उठा लगता है। तो मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप हेयर पैच लगाते हैं तो लगाने के बाद में क्या होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे से ये सेटिंग में आता चला जाता है। जितना ये वॉश होगा और जितना ये इसको हम यूज करेंगे, इतना ही ये मैचिंग में आता चला जाता है, हमारा ये स्कैल्प में सेट हो जाता है अच्छी तरह से। इसके जो साइड में आपने बॉर्डर देखा होगा ना, तो बॉर्डर जो होता है दोस्तों इसका, वो जैसे हमारे स्कैल्प की हीट लगती है इसको, तो वो सेट होता चला जाता है और बाल भी फिर ऐसे बैठते चले जाते हैं इसके। तो कुछ दोस्त होते हैं कि भैया हमारे स्टार्टिंग में जो हमें हेयर पैच आप दे रहे हैं कि भैया उसके बाल बहुत छोटे छोटे कर दो, भाई बहुत उठा उठा बाउंस लग रहा है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें जो बाल है धीरे धीरे करके छोटे कराएं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसमें बाल एक साथ छोटे मत कराइएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है कि कुछ दोस्त हमारे पहले ही बाल छोटे करा के चले जाते हैं, फिर उसमें बाद में जो है ना लुक हेयर स्टाइल बनाने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप हेयर पैच लगाते हैं तो उसको आप थोड़े टाइम उसे यूज करिए, यूज करने के बाद में एक डेढ़ महीना उसे यूज करते रहिए, कंटिन्यू यूज करिए उसे। निकाल के रखोगे तो भाई सेट नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू हमें यूज करना पड़ेगा वो, तो उसे हम कंटिन्यू यूज करते रहेंगे वो सेटिंग में आता चला जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें दो तरीके से दोस्तों ये लगाया जाता है हमारे पास में, जैसे कि एक टेपिंग में हो गया और एक हो गया भाई क्लिपिंग में। तो क्लिपिंग में क्या है, इसमें हम डेली हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, और हमारे जो बीच के जो बाल होते हैं सर पे के, जैसे थोड़े बहुत बाल होते हैं, तो इसको हमें काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और इसके ऊपर से क्लिपिंग वाला पैच इसी तरीके आराम से लग जाता है। उसमें क्या होता है, हम इसे डेली हटा भी सकते हैं और रोज इसे निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, और हटा के इसे हम नाइट में सो जाएंगे और सुबह नहा धो के हम इसको लगा लेंगे अच्छी तरह से। और जो इसमें टेपिंग वाला होता है, टेपिंग वाले में भी मैं आपको बता देता हूँ, टेपिंग वाले में क्या करना होता है कि टेपिंग वाला जो होता है भाई, बीच में से बाल साफ करने पड़ते हैं हमें, बाल साफ करके फिर साइड में ग्लू लगाना पड़ेगा हमें, साइड साइड में बॉर्डर पे जहां हमारी टेप लगेगी पैच के ऊपर, ठीक है। और उसमें फिर वो हमारा चिपका रहता है, उसकी जो सर्विस चलती है दोस्तों उसमें 20 से 25 दिन में आप लोग उसकी सर्विस करा लीजिएगा, और उसमें आप उसे लगा के आप नहा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, और उसमें सारे काम कर सकते हैं, उसमें जिम भी जा सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, दौड़ भी लगा सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। लेकिन भाई गिरता किसी में भी नहीं है, कि कुछ दोस्त बोलते हैं कि भाई पैच गिर तो नहीं जाएगा, भाई आप इसमें चाहे कैसे भी चले जाइए, चाहे क्लिपिंग में लगाइए या टेपिंग में लगाइए, ये गिरता नहीं है दोस्तों, ठीक है गाइस। बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक, बाकी अगर आपको लगाते हुए देखना है या और भी कुछ वीडियो देखने, आपको कुछ और जानकारी चाहिए, तो हमारी सीधी प्रोफाइल पे जाइए और उस पर देख सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है गाइस। बाकी वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन का बटन आएगा उस पर बेल आइकन पर दबा के और ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि सारी वीडियो सबसे पहले जो भी हम बनाते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है गाइस। बस चलते हैं आज की वीडियो यहीं तक।